इंटर में अब एडमिशन करवाने के लिए केवाईपी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। जब आप केवाईपी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर आप इंटर में एडमिशन करवा पाएंगे। अगर आपने भी 2023 में 10th पास किया है और आप 10th का एसएलसी लाने जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा केवाईपी रजिस्ट्रेशन का रिसीविंग, फिर आप 10th का एसएलसी ले पाएंगे, तभी आपको स्कूल से मिलेगा। अगर आप इंटर में एडमिशन करवाने भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको केवाईपी रजिस्ट्रेशन स्लिप मांगेगा, फिर आपको इंटर में एडमिशन लिया जाएगा। तो ये केवाईपी रजिस्ट्रेशन आखिर होता कैसे है और इसका क्या प्रोसेस है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि रजिस्ट्रेशन करने का जो कि डीआरसीसी ऑफिस होता है, डीआरसीसी ऑफिस से करवाना पड़ता है। तो आपके एरिया में डीआरसीसी ऑफिस कहाँ है वो चीज आपको पता लगा लेना है। जैसे कि केओआईपी ऑफिस भी होता है, केओआईपी में जो कि कंप्यूटर क्लास किया जाता है वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि डीआरसीसी ऑफिस कहाँ पर है आपके डिस्ट्रिक्ट में। और केओआईपी में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कैसे कर पाएंगे? तो केओआईपी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या तो आप किसी साइबर कैब से भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट डीआरसीसी ऑफिस जाकर के भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद गो रिसीविंग आपको डीआरसीसी ऑफिस लेकर के जाना है। डीआरसीसी ऑफिस जाएंगे लेकर के तो वहां से आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, तो जो कैंडिडेट है वो जाए उसके बिना नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे आधार फिंगर लगता है, तो जिसका है उसको जाना ही पड़ेगा। और वहां पे फोटो भी क्लिक होता है और फिंगरप्रिंट भी लगता है, तो वहां पे जाना जो कि अनिवार्य है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर जाना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन ही करते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? ऑनलाइन करते हैं फिर भी आपको डीआरसीसी ऑफिस जाना ही पड़ेगा, ये चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। और डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटर का जो कि मार्कशीट है, जो ऑनलाइन से आपने डाउनलोड किया है वो मार्कशीट होगा, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो मार्कशीट होगा नहीं अभी, तो ऑनलाइन से जो आपने डाउनलोड किया है वो मार्कशीट लगेगा। दूसरा आधार कार्ड लगेगा, और तीसरा फोटो भी आपको रखना है, चौथा आपको बैंक पासबुक लगेगा, पांचवा मोबाइल नंबर, और छठा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो आप रखेंगे उस पर ओटीपी जाएगा, तो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। आप अपने फोन में लॉगिन करके ओटीपी बता पाएंगे, तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, जो आप ईमेल आईडी देंगे उस पर ओटीपी जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लगेगा, और जो मोबाइल नंबर आप देंगे साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको ओटीपी लगने वाला है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके डीआरसीसी जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डीआरसीसी जा सकते हैं। तो ये आपको अब आपको करवाना अनिवार्य हो गया है। केवाईपी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फिर आपको इंटर में एडमिशन लिया जाएगा। तो आप जाकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी होगा डीआरसीसी, वहां से आप ये केवाईपी रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस पूरा कीजिए, फिर आपको इंटर में एडमिशन हो पाएंगे। वो रिसीविंग आप लेकर के जाएंगे तो इंटर में एडमिशन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को पहुंच जाए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में।